Hi everyone, this is Veronica. आज हम बात करने वाले एक प्रोग्राम की जिसका नाम है लैब ऑन व्हील्स प्रोग्राम अब ये प्रोग्राम क्या है दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा इनिशिएट किया गया है इसके डिटेल में हम जानेंगे क्योंकि बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है व्हील्स का मतलब एक गाड़ी एक गाड़ी जो है वो दिल्ली के अलग अलग स्कूल्स में जाएगी जिसके अंदर पूरी लेबॉर्ट्री आपकी फ़िक्स रहेगी जिस तरह से आप देख सकते हैं और उसमें स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाएगा इस इनिशिएटिव के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पर चाहे फेसबुक इंस्टाग्राम टेलीग्राम कहीं पे भी पीडीएफ जो है वो आपको लेकिन सिर्फ और सिर्फ मेरी टेलीग्राम प्रोफाइल पे ही मिलेगा चलिए इसको डिस्कस करते हैं ये पिक्चर्स उसी लैब की हैं दिल्ली एजुकेशन मिनिस्टर कौन है आपके मनीष सिसोदिया जी उन्होंने रिसेंटली डीटीयू यानी दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी का जो लैब ऑन व्हील्स प्रोग्राम है इसको इनागोरेट किया ये प्रोग्राम डीटीयू का है यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं वो उसको मैनेज करेंगे ट्रेवल करेंगे इस तरह की बस में एक बस है जिसमें अंदर पूरी लेबॉर्ट्री सेट की गई है और अलग अलग गवर्नमेंट स्कूल्स जो हैं दिल्ली के वहाँ पे वो लोग ट्रैवल करेंगे और जो अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे हैं उनको वहाँ पे एक्सपोजर दिया जाएगा इस लैब का और उनको पढ़ाया जाएगा अब ये जो आइडिया है यहाँ पे इसका मकसद क्या है एम क्या है कि एजुकेशन देनी है दो फील्ड्स में सबसे ज़्यादा मैथमेटिक्स और साइंस में उन स्टूडेंट्स को जो कि बहुत ही मार्जिनलाइज्ड और पुअर इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आते हैं ताकि उनको इन सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट आए अच्छे से समझ आए क्योंकि डेफ़िनेटली जो बच्चा यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा होता है उसको बहुत एक्सपोजर होता है रिसर्च का भी वो पार्ट होता है वो स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से समझा सकता है उसका इंटरेस्ट जो है इस सब्जेक्ट्स में ला सकता है तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है यहाँ पे पिक्चर में आप देख सकते हैं ये व्हील्स लैब ऑन व्हील्स का यही मतलब है कि यहाँ पे लैब है इसके अंदर पूरी आ, यहाँ पे आप देख सकते हैं डीटीयू दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के द्वारा ये इस तरह से गाड़ी जो है जगह-जगह घूमेगी और एन में दो बेनिफिट्स हैं म्यूचुअली बेनिफिट है एक तो जो स्टूडेंट्स एडमिशन लेना चाहते हैं डीटीयू में उनको भी मज़ा आएगा कि ओके okay, इस कॉलेज में हम एडमिशन ले सकते हैं और दूसरा अपनी स्कूलिंग फिनिशिंग फिनिश करने के बाद और दूसरा ओबियसली उन स्टूडेंट्स को भी एक्सपोजर मिल रहा है जो कि स्कूल्स में पॉसिबल नहीं है अब देखिए ये जो पूरी लैब है इसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं लैब ऑन व्हील्स में सिक्सटीन कॉम्प्यूटर्स हैं इसके अंदर दो आपके टेलीविजन्स हैं वन थ्री प्रिंटर है एक लैपटॉप है कैमराज हैं फिर नॉर्मल प्रिंटर है आपका वाईफाई एनेबल्ड ये अंदर से पूरी जो व्हीकल रहेगी जो लैब रहेगी उसमें वाईफाई होगा हंड्रेड परसेंट पावर बैकअप रहेगा और फुली एयर कंडीशन रहेगी तो काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ जो हैं इसमें वो दी गई हैं अब ये जो प्रोग्राम है कितने स्कूल्स को टारगेट करेगा वैसे भी अगर आप देखेंगे दिल्ली का जो स्कूल मॉडल ऑफ एजुकेशन है वो बहुत बढ़िया है उसके गवर्नमेंट स्कूल्स अगर आप जाके देखेंगे प्राइवेट से भी प्राइवेट के मुकाबले में आपको बहुत अच्छे दिखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर भी और पढ़ाई के मामले में भी अब इस प्रोग्राम में अगर आप देखेंगे ट्वेल्व स्कूल्स को शुरू में टारगेट किया जाएगा और अगर अच्छा चलेगा ये प्रोग्राम बाद में स्कूल्स इंक्रीज भी किए जा सकते हैं बस जो है तीन शिफ्ट्स में काम करेगी ऑफ थ्री आवर्स ईच एक टाइम पे तीन घंटे के लिए तीन शिफ्ट्स कौन सी हैं एट टू इलेवन ए एम इलेवन टू टू पी एम टू पी एम टू फाइव पी एम और एक स्कूल एक हफ्ते में विज़िट किया जाएगा कॉन्टीन्यूसली आठ हफ्तों तक ये डी टी यू के जो भी लोग हैं उन्होंने कहा है स्पोक्स पर्सनस जो हैं हर शिफ्ट में आप देख सकते हैं दो वॉलेंटियर्यर्स रहेंगे यानी दो डी के स्टूडेंट्स रहेंगे जो ऑलमोस्ट सिक्सटीन स्टूडेंट्स को एट अ टाइम पढ़ाएंगे अगर कंप्यूटर लैब है तो सिक्सटीन स्टूडेंट्स और अगर रेगुलर कोई क्लासरूम चलाना है तो उसमें ट्वेंटी फाइव स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाएगा आफ्टर एट वीक्स और एट वीक्स के बाद नए 12 स्कूल्स जो हैं उनको सिलेक्ट किया जाएगा राइट और अच्छा चला तो यहाँ पे जो व्हीकल्स हैं इनको इंक्रीज़ भी किया जाएगा क्योंकि ऑब्वियसली जो डी है वो एक टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी है इसलिए यहाँ पे मैथमेटिक्स और साइंस पे ज़्यादा ज़ोर दिया जाएगा उनको पढ़ाया जाएगा कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पे बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग स्टूडेंट्स को दी जाएगी वो कवर किए जाएंगे रेगुलर क्लास वर्क टेन और ट्वेल्थ का जो रहता है और थ्री प्रिंटिंग की भी ट्रेनिंग दी जाएगी स्कूल्स में आई थिंक ये फैसिलिटीज़ होना बहुत मुश्किल है और स्टूडेंट्स को इनका डायरेक्ट एक्सपोजर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स से मिलेगा तो इसलिए बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम है अब जैसे आपको पता है कोविड चल रहा है स्कूल्स बंद हो रहे हैं यहाँ पे सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा जाएगा सेफ्टी प्रिकॉशन जो भी कोविड प्रोटोकॉल है वो पूरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा वो पूरा फॉलो किया जाएगा और हो सकता है थोड़ा बीच में इसके ब्रेक आए बट ये बहुत इनिशिएटिव है अच्छा इनिशिएटिव है जो शुरू किया गया है और ये कंप्लीट होगा अब हम दिल्ली की अदरवाइज बात करें ये तो डीटीयू का इनिशिएटिव है दिल्ली का वैसे भी मॉडल ऑफ एजुकेशन बहुत बढ़िया है अगर हम बाकी स्टेट से कंपेयर करें गवर्नमेंट स्कूल्स का दे आर हैविन टू काइंडस ऑफ एजुकेशन मॉडल्स इनके दो एजुकेशन मॉडल्स चलते हैं देश में वन फॉर द क्लासेज एंड अदर फॉर द मासस एक तो क्लासेज के लिए एक सब के लिए डेली गवर्नमेंट इस गैप को ब्रिज करना चाहती है वो एजुकेशन को कोई लग्जरी नहीं बनाना चाहती वो चाहती है कि गरीब से गरीब बच्चा जिसका कुछ भी सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड हो उसको अच्छी पढ़ाई मिले तो इसी तरह से पांच मेजर कॉम्पोनेंट इसके रखे गए और स्टेट बजट का 25 परसेंट भी एजुकेशन पे लगाया जाता है जिस तरह से इन्होंने स्कूल्स को ट्रांसफॉर्म किया है बहुत बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया है स्कूल बिल्डिंग्स जो हैं उनको रिपेयर कराया है एकदम बढ़िया टेबल डेस्क प्रोवाइड कराए हैं इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है इससे टीचर्स भी मोटिवेट होते हैं स्टूडेंट्स भी मोटिवेट होते हैं और टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम भी डेली uh, गवर्नमेंट ने पूरी दी है अपने टीचर्स को उनको इक्विप करने के लिए प्रिंसिपल्स को प्रोफेशनल ग्रोथ में जो भी ट्रेनिंग चाहिए स्टूडेंट्स का तो ध्यान रखा ही जा रहा है तो इस तरह के एजुकेशन मॉडल्स जो हैं वो गवर्नमेंट ने वहाँ पे चलाए हैं लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम्स टीचर्स और पेरेंट्स के बीच में भी लगातार बात होती है गाइडलाइंस जो हैं वो पेरेंट्स को भी दी जाती हैं टीचर्स के साथ साथ स्पेशल इनिशिएटिव्स लिए गए हैं कि बच्चों को कैसे पढ़ना चाहिए लिखना चाहिए मैथमेटिक्स को लेकर एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं हैप्पीनेस करिकुलम एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट था जो डेली गवर्नमेंट ने अपने स्कूल्स में लगाया ये बिटवीन नर्सरी टू एथ क्लास के बच्चों के अच्छा इमोशनल वेलबींग मेंटल हेल्थ उनकी अच्छी रहे इसलिए ये करिकुलम भी इंट्रोड्यूस किया गया था इसके बाद में ऑब्वियसली जो उनके एग्जिस्टिंग सब्जेक्ट्स हैं उन पर तो ध्यान दिया ही जाता है ऑन्टरप्रिनरशिप माइंड सेट करिकुलम भी वहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे की जाए क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटीज़ जो हैं 9 टू ट्वेल्थ के बच्चों के लिए वो भी इंक्लूड की गई हैं डेली करिकुलम में और अभी लेटेस्ट अगर आपने देखा हो तो कुछ आई एस ऑफिसर्स को भी स्कूल्स में ले ले जाया गया ताकि वो बच्चों से इंटरेक्ट करें और बच्चों से डायरेक्ट सवाल पूछ सकें उनमें भी कॉम्पिटिटिव स्पिरिट आए तो बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स हैं जो दिल्ली में एजुकेशन को लेके लिए गए हैं उनमें से कुछ की हमने बात की अभी तो लैब ऑन व्हील्स की बात की यही था आज का लेक्चर आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं बाकी आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं अप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं कोर्सेज़ की जानकारी वहाँ पर आपको मिलेगी थैंक यू सो मच